जबलपुर पुलिस ने 6 से 37 चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है जो धार्मिक स्थलों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। इन चोरों का मुख्य निशाना दान पेटी हुआ करती थी। पहले तो यह लोग यहाँ पहुंचकर जिस मंदिर में चोरी करनी है उसकी रेकी किया करते थे, और जब यह पुष्टि हो जाती थी कि किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है तो मंदिर में घुसकर दान पेटी हुआकर लफू चक्कर हो जाते थे। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से मंदिर में चुराई हुई कुछ राशि भी बरामद की है। पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सभी चोर आधारताल और घमापुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, और इनमें से कुछ लोगों का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है, जबकि कुछ सदस्य नए हैं। पुलिस ने इन चोरों को गिरफ्तार कर अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ शुरू कर दी है। में हनुमान मंदिर, शिव मंदिर को टारगेट करके जो चोर गिरोह सक्रिय था उसको पकड़ा गया है, और उनसे 4 मंदिरों में चोरी उन्होंने कबूल करी है। हम उनसे और भी इंट्रोगेशन कर रहे हैं, और भी चीज़ें सामने आएंगी। और मुख्य रूप से ही दान पेटी को टारगेट करते थे ये लोग। पहले अपनी पल्सर मोटरसाइकिल में जाते थे, 3 दिन के ग्रुप में रैकी करते थे, और रैकी करने के बाद दान पेटी को टारगेट करके उसको लूट लेते थे। तो उनको लगता था कि पुजारी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो अंदर घुस के उसको रैकी करके तोड़ने का काम करते थे। और इन सभी 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये 6 आरोपी और कुछ पैसे बरामद हुए हैं, कुछ मशूका उनसे बरामद हुआ है, पूछताछ की जा रही है। पहली बार चोरी कर रहे हैं कि इससे पहले भी किसी का किसी का प्रीवियस रिकॉर्ड भी है, और 1-2 लोग इसमें नए लोग भी हैं। ये लोग ज़्यादातर घमापुर, गुहलपुर, आधारताल क्षेत्र के रहने वाले हैं।